नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अब आपको सीधा लिए चलते हैं मथुरा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। वे भी आज 5000 वर्षों के बाद भी उतने प्रासंगिक बने हुए हैं जितने 5000 वर्ष पहले थे। भारत की समृद्ध पौराणिक और समृद्ध संस्कृति का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। और ब्रजभूमि में तो रज रज में कण कण में प्रभु का वास है, उनकी कृपा बसती है, उनकी स्मृतियां जुड़ी हुई है, देश और दुनिया यहां आती है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से जहां डबल इंजन की सरकार इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाना चाहती है, वहीं ये हम सबका सौभाग्य है क्या जिस विचार प्रवाह के साथ हम जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। भारत को भारतीयता की भावना के अनुरूप विकास की जिन नई ऊंचाइयों को की ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं, उसके प्रेरक पुरुष एक ऐसे महापुरुष की पावन जयंती का जिसकी जन्मभूमि होने का सौभाग्य इस थरा गांव को है, उनके इस पावन जयंती कार्यक्रम में इन किसान बंधुओं के साथ जुड़ने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने परिश्रम से भारत को अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और भारत को खाद्यान्न के रूप में न केवल अपने नागरिकों को दुनिया की लोकतांत्रिक रूप से जीने वाली इतनी बड़ी आबादी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, बल्कि भारत की धरती की इन संभावनाओं को अपनी मेहनत से खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के साथ साथ अतिरिक्त खाद्यान्न को हम दुनिया के देशों में भी निर्यात कर सकें, उन सभी अन्नदाता किसान भाई और बहनों के साथ आज संवाद बनाने का एक कार्यक्रम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक बात कहते थे, उनका नारा बहुत यानी जो सामान्य भाषा में लोग समझ सकते थे, हर हाथ को काम हर खेत को पानी। आप अनुमान कर सकते हैं हर हाथ को काम का मतलब हर नौजवान के हाथ को रचनात्मक दिशा मिलनी चाहिए, यानी युवाओं के प्रति उनके मन में क्या भाव है कि हर युवा को उसके अनुरूप कार्य मिलना चाहिए और हर खेत को पानी, यानी हर खेत को अगर किसान अन्नदाता किसानों को उसके खेत में सही समय पे पानी मिल जाए तो हमारे यहां की उत्तर प्रदेश की धरती तो ऐसी है कि जो इस खेत में सोना उगलने का काम कर सकती है, और यही तो किया है। आपने देखा होगा डबल इंजन सरकार इन्हीं सब कार्यों को समर्पित होकर के कार्य कर रही है, इन्हीं मूल्यों को लेकर काम कर रही है। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और मिशन रोजगार के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहे हैं, उन्हें सरकारी नौकरी दी जा रही है, उनके लिए रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के कार्यक्रम चल रहे हैं, डिजिटल इंडिया का हो या स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया हो या फिर स्वतः रोजगार के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या फिर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इन सभी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के लाखों लाख नौजवान आज स्वतः रोजगार के मार्ग पर अग्रसर होकर के प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। एक और यह कार्य, दूसरी तरफ सरकारी तो वही यूपी की राजधानी लखनऊ के जेपी नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट पर सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि मौके पर खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव भी मौजूद है। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव को उन्हें श्रद्धांजलि देने जाना था, लेकिन
सपा मुखिया को अंदर नहीं जाने दिया गया। ऐसे में जेपीएनआईसी का गेट बंद होने पर अखिलेश यादव ने दीवार फांदकर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। बताया जा रहा है कि एलडीए ने देर शाम ही गेट पर ताला डाल दिया था। गेट फांदकर कोई न जा पाए इसके लिए लोहे की चादर की दीवार भी लगा दी गई थी। इसके विरोध में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। जेपीएनआईसी के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। अफरा तफरी के माहौल के बीच लखनऊ का सियासी पारा भी हाई हो गया और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद जहां अखिलेश यादव ने भी बयान देते हुए कहा कि जेपी ने परिवर्तन लाने का काम किया था, मजबूरी में दीवार कूद कर मुझे जाना पड़ा, मैं हर साल यहां माल्यार्पण करता हूं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पुलिस लगाकर मुझे यहां रोका जा रहा है। इमरजेंसी में समाजवादी लोग जेल गए थे, जनता की शक्ति के सामने सरकार कुछ भी नहीं है। समाजवादियों का म्यूजियम और नेताजी ने और हम समाजवादियों ने मिलकर के इसका उद्घाटन किया था और इस म्यूजियम को बनाने का मकसद यही था कि जन नायक जयप्रकाश नारायण जी के बारे में लोग जाने, उनका संघर्ष का जीवन जाने। एक व्यक्ति जो बिहार से निकल करके और अमेरिका जैसी जगह पर पढ़ करके वापस आया हो और उसने संदेश दिया हो कि बिना संपूर्ण क्रांति के इस देश में परिवर्तन नहीं होगा, और जिस समय संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था उस समय महंगाई चरम सीमा पर थी, बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, अन्याय चरम सीमा पर था, और मुझे लगता है कि देश को परिवर्तन की जरूरत है और परिवर्तन के साथ साथ जो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के और जो तमाम काम होने चाहिए वो नहीं है। क्या सरकार छिपाना चाहती थी? ये टीन लगा करके दरवाजों पे गेट पे ताला लगा करके क्या छिपाना चाहती थी सरकार? क्या सरकार क्या ये छिपाना चाहती थी जो करोड़ों रुपए की चीजें बनी थी यहाँ, स्मारक बर्बाद कर दिया, जेपीएनआईसी बर्बाद कर दिया, रिवर फ्रंट बर्बाद कर दिया, जो समाजवादियों के निशान थे, नेताजी ने जिसकी शुरुआत की थी उस निशान को ये मिटाना चाहते थे, इसलिए टीन शेड ये लगाई है। ये सरकार तो वो है जो दूसरों से वसूल के भरपाई करती है। श्री अखिलेश यादव की इतनी समझ होनी चाहिए सरकार के मुखिया रहे कि अगर अनुमति मिलती तो जाते आराम से, नहीं मिली थी बढ़िया अपने कार्यालय में मनाते, लेकिन वो मनाने का अधिकार उनको नैतिक रूप से है ही नहीं, क्योंकि आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले की विचारधारा के विरुद्ध कांग्रेस की गोद में एक समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी बैठ गए हैं, इसलिए उनको यह लड़ाई लड़ने का नैतिक अधिकार है। सर, अखिलेश यादव ने यह बात भी कही कि भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों की जयंती मनाना नहीं चाहती है, वो महापुरुषों के लिए कोई काम नहीं करना चाहती है, इस तरह की भी बातें उन्होंने कही। श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना मतलब एकदम बेचैन है और वो प्रदेश की सत्ता उनके हाथ से चली गई है, देश की सत्ता उनके हाथ में आने वाली नहीं है, तो कुछ देर आप लोग दिखाते रहो इसके नाटक करते। सर, समाजवादी पार्टी का एजेंडा हमेशा हर बात पे केवल और केवल राजनीति रहा है, हमेशा हर बात का राजनीतिकरण करके अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने का लक्ष्य समाजवादी पार्टी हमेशा राजनीति करती है। महापुरुषों के नाम पर भी राजनीति करना ये समाजवादी पार्टी का पुराना स्टाइल रहा है। उनको ना तो समाज के विकास से मतलब है समाजवादी पार्टी को, ना तो हमारे महापुरुषों के जो जीवन के जो आदर्श हैं उनसे उन्होंने कुछ सीखा है। आज हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ईमानदारी से सारे प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए काम कर रही है। तो वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरह की तस्वीरें अब सामने आ रही है, जेपी नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण को लेकर के सियासी पारा भी हाई हो चुका है, लेकिन क्या ऐसी वजह रही कि माल्यार्पण के लिए जो मंजूरी थी वो नहीं दी गई थी? देखिए, सरकार का कहना था कि यहाँ पर काम चल रहा है, एलडीएवीसी की तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा है। हम जेपीएनआईसी के बाहर ही खड़े हुए हैं, आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि वो टीन शेड से वो जो पूरे दरवाजे थे यानी कि जो मेन गेट है उसको बंद किया गया था, और ये जो टीन शेड आपको नीचे जमीन में गिरे दिख रहे हैं इसको समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही गिराया और कहा कि हमको अंदर जाने दिया जाए।
सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 में 16 में जब इसका काम शुरू हुआ था जेपीएनआईसी का, तो एक साल बाद ही सरकार पलट गई थी और यहाँ पर काम रोक दिया गया था। कई साल तक यहाँ पर काम बंद रहा। अब सरकार ने फिर 123 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया है और इसको दोबारा रेनोवेट कराया जा रहा है। एलडीएमसी का कहना था कि अंदर रेनोवेशन का काम चल रहा है, नेता जब आएंगे तो उनके कार्यकर्ता भी सैकड़ों आएंगे और यहाँ पर डिस्टर्बेंस होगी, इस वजह से उन्होंने मना किया। जबकि अखिलेश यादव कह रहे थे कि वो सिर्फ माल्यार्पण के लिए जाना चाहते हैं और वहां पर इसकी इजाजत दी जाए। पहले उनके घर के बाहर पुलिस लगाई गई थी, फिर उसके बाद जेपीएनआईसी के बाहर यहाँ पर पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई, भारी संख्या में पुलिस लगाई गई थी और कहा गया था कि उनको रोका जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव इस गेट को, यही तस्वीर है सामने, आपको दिखा दे एक बार फिर कि इसी गेट को फांद कर अखिलेश यादव गए थे और अंदर जाने के बाद उन्होंने माल्यार्पण किया है अपने कुछ चुने हुए नेताओं के साथ जाकर, फिर उसके बाद वो वापस आए थे, फिर उन्होंने मीडिया को संबोधित किया था। अगर यही पुलिस शेड्यूल बना सकती थी कि कुछ चंद नेताओं के साथ अगर वो जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि जेपीएनआईसी के नाम पर जो बना है ये जयप्रकाश नारायण के नाम पर इसको डेडिकेट किया गया था, इस पूरे स्मारक को, और करीब 950 करोड़ की लागत से ये बना था। इसका काम रुकने की वजह से कई चीजें यहाँ पर खराब भी हो चुकी थी, जिसको रिनोवेशन की वजह से दोबारा लागत उस पर लगानी पड़ रही है। फिलहाल अखिलेश यादव ने बड़े आरोप भी लगाए, उन्होंने कहा है कि रिवर फ्रंट हो चाहे जेपीएनआईसी हो, ऐसे कई बड़े प्रोजेक्ट थे समाजवादी पार्टी के जिसको रोक दिया गया द्वेष के कारण, और राजनीतिक द्वेष के चलते ही इन स्मारकों को और जो बड़े प्रोजेक्ट थे उनको बंद किया गया। लेकिन अगर दोबारा उनको चालू किया जाएगा तो फिर एक बड़ी रकम खर्च करनी पड़ेगी और ये जनता की रकम है। फिलहाल अखिलेश यादव अब कानपुर दौरे पे निकले हैं, वहां पर कानपुर में उनका कार्यक्रम है, यहां से सीधा वो कानपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल तौकीर, और हमारे साथ सपा प्रवक्ता मनोज यादव जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। देखिए जिस तरीके से आज तस्वीरें सामने आई है, अगर अनुमति नहीं थी तो फिर गेट फांद कर अंदर माल्यार्पण करने के लिए क्यों जाया गया, क्योंकि साफ तौर पर वहां पर सरकार की तरफ से हवाला दिया गया था कि अंदर रेनोवेशन का काम जारी है और यही एक वजह थी कि अंदर एंट्री नहीं दी जा रही थी। तो यहां पर मनोज यादव जी संपर्क नहीं पा रहे, तो आखिर आपके पास लौटना चाहेंगे। देखिए जिस तरीके से ये तस्वीरें देखने को मिली, सपा कार्यकर्ता हजारों की संख्या में वहां पर पहुंचे, उनका रोष साफ तौर पर वहां पर देखने को मिला, और ऐसे में अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ये आरोप लगाते हुए भी नजर आए कि सरकार जो है उसने जेपीएनआईसी को, रिवर फ्रंट को बर्बाद किया है, समाजवादी पार्टी का निशान वो मिटाना चाहते हैं। इसके बाद बीजेपी की तरफ से अब किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने इस पूरे मामले पर कहा है कि ये सिर्फ जो महानायक रहे हैं उनके नाम पर, महापुरुष जो रहे हैं उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि इन्होंने किसी भी लोकनायक को इतना सम्मान नहीं दिया जितना भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जेपी आंदोलन से ही कई ऐसे नेता हैं जो निकले हैं और इस वक्त बीजेपी पार्टी में भी हैं और समाजवादी पार्टी में भी हैं, तो जाहिर तौर पर ऐसे लोगों के नाम पर अगर राजनीति होगी तो जाहिर तौर पर कोई भी इसे सही नहीं ठहरा सकता, क्योंकि ये वो लोकनायक थे जिन्होंने जन आंदोलन किए हैं। जेपी आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन था और वहां से कई नेता जो आज भी सक्रिय राजनीति में बड़े पदों पर हैं, तो फिलहाल पक्ष और विपक्ष दोनों ही को समझना चाहिए कि ऐसे जब नाम महापुरुषों की जब तिथियां आए चाहे जयंती हो तो ऐसे मामलों पर थोड़ा सा नरम रुख रखना चाहिए। लेकिन पुलिस का ही कहना है कि जब उन्हें मना किया गया था तो उन्हें यहां नहीं आना चाहिए था, और किसी भी जगह यानी कि अपने पार्टी कार्यालय पर भी कार्यक्रम रख सकते थे। अब इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि प्रतिक्रिया तो आई ही अखिलेश यादव की, लेकिन एलडीए की तरफ से भी एक मुकदमा लिखाने की तैयारी है। अब देखना है कि क्या इस पर मुकदमा लिखाया जाएगा या फिर इसे आगे के लिए छोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल तौकीर, और हमारे साथ सपा प्रवक्ता मनोज यादव जी और बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का जनता टीवी पर। ओपी सिंह जी, आज पहला प्रश्न आपसे करना चाहूंगी, जिस तरीके से जेपी नारायण जी की मूर्ति पर जो है माल्यार्पण करने की अनुमति नहीं दी गई और इसके बाद अब साफ तौर पर सपा का ये आरोप है कि बीजेपी जो है वो राजनीतिक द्वेष के चलते ऐसा कर रही है, जेपीएनआईसी को बर्बाद किया गया है, रिवर फ्रंट को बर्बाद किया गया है। जागृति जी, सब कुछ किया तस्वीर जो सब किया उससे साफ जाहिर होता है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी का चार चेहरा फिर से एक बार जनता के सामने रख दिया है। यह पूरा कार्यक्रम हाई वोल्टेज ड्रामा और फोटो सेशन के अलावा मुझे कुछ नहीं लगता। बड़ा आश्चर्य की बात है कि जो आदमी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो वो दीवार कौन फाड़ता है, गेट कौन फाड़ता है, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। आपको जब अधिकारियों ने रिक्वेस्ट कर लिया वहीं आपके घर पर ही, तो वहां आपको जिद करके जाने की जरूरत क्या थी? अच्छा, जिद करके गए
वहाँ अधिकारियों से हाथ ताक किया, आपने धक्का मुक्की किया, आप गेट पर चढ़ गए। जब आप गेट पर चढ़ेंगे तो आपके कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी? उन्होंने पूरा टीम से तोड़ डाला, उखाड़ डाला। तो मतलब ये है कि जो अराजकता की स्थिति है, ये समाजवादी पार्टी की कुंडली है। इसके पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, हल्ला बोल इनका एक नारा है, हल्ला बोल। और हल्ला बोल में क्या होता है? पूरी तरह से अराजकता, पूरी तरह से अमर्यादित कार्य और उत्पीड़न का कार्रवाई करते हैं। इनका महापुरुषों से लगाव है, ठीक है, होना चाहिए भाई, आपका लगाव है तो आप अपने कार्यालय में जब आपको अनुमति नहीं मिली तो आप ये फोटो सेशन कराने क्यों गए? आप अपने घर पर कर लेते, लेकिन नहीं, मैं तो जाऊंगा और हाई वोल्टेज ड्रामा करूंगा, फोटो सेशन कराऊंगा, फिर उसको मैं भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाऊंगा कि महापुरुषों की जो सम्मान करने की है वो मेरे नाम से लिखा हुआ समाजवादी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी। ओपी सिंह जी, लौटूंगी आपके पास। मनोज यादव जी, देखिए बीजेपी का तो साफ तौर पर कहना है कि अगर आपको वाकई में श्रद्धांजलि देनी थी तो आप पार्टी कार्यालय पर भी ये कार्यक्रम आयोजित कर सकते थे। ये सवाल आप दोबारा से पूछेंगे मुझसे? मनोज यादव जी, देखिए ओपी सिंह जी ने कई सारे इस दौरान आरोप लगाए हैं कि ये एक हल्ला बोल का एक तरीका है, और जिस तरीके से आज ये तस्वीरें देखने को मिली हैं ये पूर्णतः जनता को भी कहीं ना कहीं विचलित करने वाली है। और साफ तौर पर उनका ये भी कहना है कि अगर आपको वाकई में श्रद्धांजलि देनी थी तो आप पार्टी कार्यालय पर भी ये कार्यक्रम आयोजित कर सकते थे। नहीं तो जेपी सेंटर बनाया क्यों गया था? उन्हीं की याद में तो बनाया गया है, उसकी महत्ता को जब नहीं जानते तो क्या करें भाई, पढ़े लिखे लोग होते तो जानते, बात करते। ये हल्ला बोल नहीं था, ये इनकलाब था, ये फोटो सेशन नहीं था, ये आपकी दृढ़ जो निरंकुशता है उसके खिलाफ ये आंदोलन था। और आप क्या बता रहे हो अपने कार्यालय में मना लेते? अरे आप लोग वही हो, देश जब बेड़ियों से जकड़ा था तब आप आंदोलन नहीं कर रहे थे, जब भारत छोड़ो की बात कर हो रही थी तब आप आंदोलन नहीं कर रहे थे, और जब आप आंदोलन नहीं कर रहे थे तो निश्चय ही ये देश 200 साल तक गुलाम रहा। आप लोगों की वजह से ही तो गुलाम रहा, कोई हम लोग तो लड़े, आजादी की लड़ाई लड़े, हमारे पूर्वजों ने लड़ा, आपके पूर्वजों ने अंग्रेजों के साथ अपना गेम खेला, तो फिर कैसे हो सकता है, किस तरह हो सकता है भाई? आप जिसको फोटो सेशन कहते हैं उस समाजवादियों का बिगुल है, और हमने बिगुल बजा दिया है। अगर उत्तर प्रदेश में आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से काम चले तो संवैधानिक प्रक्रियाओं में रोक टोक मत करिएगा। योगी आदित्यनाथ जी से बता दीजिएगा, ओम प्रकाश जी, कि वो जो अधिकार है जनता के, समाजवादी पार्टी क्या जितने भी राजनीतिक दल हैं विपक्ष में, उनको मत छेड़िएगा। आप अपना काम करिए, आप डेवलपमेंट ना करिए, आप गड्ढे ना बढ़वाइए, आप लूट करिए, आप राजस्थान के लोगों को भर लीजिए, गुजरात के लोगों को यूपी में भर लीजिए, वो सारी बातें अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन समाजवादियों के अधिकारों पे अगर आप अंकुश लगाने का प्रयत्न करेंगे तो जागृति जी मैं बता रहा हूं, अभी तो ये छोटा सा आंदोलन था, पूरे प्रदेश में आंदोलन हो जाएगा। और अगर हमने जेल भरो बोल दिया, अगर जेल भरो बोल दिया तो जो 80 करोड़ को राशन देते हो वो नहीं दे पाओगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जेलों में आदमी ठूस के समाजवादी पार्टी को लोग जाएंगे, जगह नहीं रह जाएगी जेलों में। इसलिए हमें मत छेड़ो, हमें मत छेड़ो, आप अपना काम करो और जो हमारे अधिकार है वो हमको करने दो। जी ठीक है, ओपी सिंह जी। और जागृति, जहां तक मैं समझता हूँ कि सवाल पर जो आपने सवाल किया मनोज यादव से, इन्होंने जवाब देने की बजाय धमकी भरे अंदाज में इन्होंने अपने बयान जारी किए। इन्होंने कहा कि हल्ला बोल इनकलाब है। अगर इंकलाब की परिभाषा यही है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री दीवार फांस कर अपने सहयोगियों को ललकार के टीम से तोड़ करके अंदर घुस जाए, अगर ये इंकलाब है तो ये समाजवादी पार्टी को इंकलाब मुबारक हो। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये बिगुल है। भैया आपका बिगुल 2014 से कहां सो रहा, 2014 से इसका मतलब बिगुल आपने नहीं बजा, जो अब 2024 का चुनाव आ रहा है तो एसी कमरे से बाहर निकल करके अब आप बिगुल की धमकी दे रहे हैं। सिंह जी, लेकिन प्रश्न तो इतना भी बनता है कि अगर माल्यार्पण की अनुमति मांगी गई थी तो आखिर क्या वजह रही कि माल्यार्पण के लिए अंदर नहीं जाने दिया गया? रेनोवेशन का काम भी चल रहा था तो सिर्फ कुछ लोगों को अंदर जाने की अनुमति जवाब दूंगा। ना, एक जागृति, एक बात ये समझिए, वो अखिलेश यादव
या सामान्य व्यक्ति हो, अगर आपको जिला प्रशासन अनुमति नहीं देता है तो क्या आपको दुर्खात के पर लगे और आप धमकी दे रहे हैं, जेल भर देंगे, हल्ला बोल करेंगे, तो आपके लिए भी वही कानून बना है जो आम आदमी के लिए कानून बना है। ठीक है मनोज यादव, जागृति जी जागृति जी मैं एक स्पष्ट बात बता दूं, बीजेपी के लोग, अरे रुक जाओ ओम प्रकाश जी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई रुक जाओ, सपोर्ट किया है और आपकी हो गया ओपी सिंह जी, मैं आपकी बात का जवाब उनसे मांग रही हूं, सरकार में एक भी दंगे नहीं हुए, ठीक है अंतर है हमारी सरकार में और मनोज यादव आपकी सरकार में जो लोगों ने आम आदमियों को लूटा, हजारों करोड़ कमाया, आज कहाँ है उस जमीनों पर? चलिए ठीक है, आपके इन सवालों का जवाब ले लेते हैं मनोज यादव जी से, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं, ठीक है देखिए मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं और मुद्दे की बात यह है कि अगर मौजूदा एलडीए या बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि वहां पे रिनोवेशन का काम हो रहा है, तो मैं अंदर साक्षात गवाह था, वहां मजदूर का मां भी नहीं था, एक मजदूर नहीं था, ना ही कोई काम हो रहा था, वहां पे पूरी तरीके से जंगल उगा हुआ है, वहां पूरी तरीके से अव्यवस्था फैली हुई है, करोड़ों रुपए जनता का पैसा जो जेपी सेंटर बनाया गया, जो म्यूजियम बनाया गया, उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया योगी सरकार ने, चाहे वो फिर ठीक है हमारे बीच में लगातार बोलेंगे, ये लगातार बोलेंगे, मुझे नहीं लगता है कि बेहतर डिबेट करने का प्रयत्न कर, से भी ज्यादा तेज बोल सकता हूँ, लगातार बोल सकता हूँ, लेकिन जागृति जी एक बात स्पष्ट कर दूं कि मौजूदा सरकार पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को, जनता के पैसों को भ्रष्टाचार के रूप में अपने कार्यालय को और अपनी पार्टी को चलाने में इस्तेमाल कर रही है, और ओम प्रकाश जी ये इंकलाब है, योगी आदित्यनाथ जी से कह दीजिएगा कि दोबारा से ऐसी गलती ना करें, अभी तो गेट को तड़का है, अगर समाजवादियों का गुस्सा फूट पड़ा तो ये गेट दमी दोज हो जाएगा, ये भी बात याद रखिएगा, हमें डराने की कोशिश मत करिए। चलिए ठीक है ठीक है, तौकीर से तौकीर मैं आपके पास भी लौटना चाहूंगी, देखिए जिस तरीके से दोनों पार्टियों के बीच जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी देखने को मिला, और इस दौरान जिस तरीके से मनोज यादव जी कहते नजर आए कि रेनोवेशन का हवाला जरूर दिया जा रहा है, लेकिन वहां पर किसी तरह का रेनोवेशन नहीं हो रहा है, वहां पर कोई मजदूर मौजूद नहीं था। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से दोनों ही हमने प्रवक्ताओं को सुना है और उनका अलग अलग तर्क जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अब तक राजनीतिक अलग अलग मुद्दों पे होती थी, बेरोजगारी महंगाई या फिर अलग अलग मुद्दे थे, लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो महापुरुष रहे हैं अब उनके नाम पर भी राजनीति हो रही है। अगर सरकार के पक्ष की तरफ से बात की जाए तो 4 से 5 लोगों को अनुमति दी जा सकती थी, अगर वहां पर अराजकता होती तो फिर आप समाजवादी पार्टी पर दोष मढ़ सकते थे। इसी तरह से अखिलेश यादव पर भी बनता है कि अगर उन्हें अनुमति नहीं मिल रही थी तो वो किसी भी ऐसी जगह पर जो भी इनसे जुड़े हुए स्थल हैं, जयप्रकाश से जुड़े हुए, वहां पर जाके आप उनकी समाधि पर या वहां पर उसको पुष्पांजलि अर्पित कर सकते थे। यानी कि पूरी तरह से चुनाव जो है लोकसभा 2024 का वो उत्तर प्रदेश में नजर आता है, और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो ये बता रही हैं कि चुनाव करीब है और किसी भी मुद्दे को चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो वो छोड़ना नहीं चाहता, वो पूरी तरह से भुनाना चाहता है और जनता के बीच ये मैसेज देना चाहता है कि वही असली अनुयायी है और वही जनता का विकास कर रहा है। तो फिलहाल आज इस पूरे मुद्दे पे जो आज ये पूरा 1.5 घंटा जो यहाँ पर कार्यक्रम चला है, अखिलेश यादव भी आए, लाखों या हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर पहले से ही जमा थे, जाहिर तौर पर पुलिस फोर्स इतनी लगा दी गई जैसे एक माल्यार्पण ना होना हो, जैसे कोई रैली निकलनी हो, तो दोनों ही तरफ से ये मामले साफ थे कि इतना बड़ा मुद्दा अगर सरकार ना चाहती तो नहीं भी बनता था, 4 से 5 लोगों को अनुमति दे जाके वो अंदर जाके पुष्पांजलि कर सकते थे, लेकिन वहां पर पुलिस फोर्स लगाकर अखिलेश यादव भी आए थे कि उन्हें जाना ही जाना है। सिंह जी देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला अब सामने आया और ऐसे में अब कई तरह से सवाल भी उठाए जा रहे हैं, और साफ तौर पर यही कहना है कि माल्यार्पण की तो अनुमति मांगी गई थी, 3 से 4 लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जाती, इस तरीके से महापुरुषों के नाम पर राजनीति करना क्या शोभनीय है? देखिए महापुरुषों के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है, ये जनता के सामने छुपी हुई नहीं है। ठीक, कौन सी सरकारों ने कौन सी राजनीति किया महापुरुषों के नाम पर, ये विस्तृत में जाने की जरूरत नहीं है। और आप जागृति ये बताइए, आप कह रहे हैं ठीक है 5 आदमियों को आप अनुमति दे देते, आप 5 आदमी, आप हजारों कार्यकर्ताओं को लेकर गए, ठीक है, आपकी मंशा क्या थी? आप महापुरुष को मल्यार्पण करने गए थे या आप जो हल्ला बोल? चलिए ठीक है, माफ कीजिएगा ओपी सिंह जी, समय का थोड़ा सा अभाव है। मनोज यादव जी एक आखिरी प्रतिक्रिया कम शब्दों।
देखिए मैं जागृति जी आपसे बता दूं कि वो एक परंपरा है, जब से जेपीएन सेंटर बना है आप तौकीर जी से पूछ सकते हैं। समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्र नेतृत्व ने वहां माल्यार्पण किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। अगर उसके बावजूद भी एलडीए ये नहीं समझता है, बीजेपी की सरकार ये नहीं समझती है, तो फिर हम क्या कहें? ये लोग ना समझदार है, इनकी नासमझी पे हम थोड़ी नहीं वो इस तरह की बातें कर सकते हैं। और मैंने इसीलिए आजादी की लड़ाई में माफ कीजिएगा मनोज यादव जी, रोकना चाहूंगी। ओपी सिंह जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तौकीर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जिस तरीके से आपने देखा कि जेपी नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण को लेकर के अब सियासी पारा तेज हो चुका है, समाजवादी पार्टी एक तरफ लगातार सरकार को घेर रही है, तो वही सरकार का भी साफ तौर पर कहना है कि अनुमति प्रशासन ने नहीं दी थी। सरकार पर इस तरीके से आरोप लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।